जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बेगम हजरत महल के बारे में, जिन्होंने अंग्रेजों को सन 1857 में अकेले ही धूल चटा दी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेगम हजरत महल का असली नाम मुहम्मदी खातून था। उनका जन्म सन 1820 में अवध प्रांत के फैजाबाद जिले में हुआ था। बेगम हजरत महल बचपन से ही काफी खूबसूरत थी और काफी तेज दिमाग की थी। शुरुआती जीवन में उन्हें अवध के दरबार में गणिका के तौर पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद बीतते दिनों के साथ ही राजमहल में उनकी पैठ बनती चली गई। गणिका के तौर पर कुछ समय काम करने के पश्चात उन्हें शाही हरम में एक ख्वासीन बनाकर रखा गया। गौरतलब है कि उन्हें उनके परिवार द्वारा शाही तंत्र को बेच दिया गया था। ख्वासीन के बाद वे शाही हरम में परी के पद पर पदोन्नत हो गई थी। इसके बाद उन्हें अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी बेगम बना लिया था। मुहम्मदी खातून को उनके बेटे के जन्म के बाद बेगम हजरत महल के नाम से नवाजा गया। नवाब से तलाक। 1856 तक अवध काफी ज्यादा विस्तृत था, लेकिन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध को बांट दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता में नियुक्त कर दिया गया। इस दौरान बेगम हजरत महल ने वाजिद अली शाह से तलाक लेकर लखनऊ की रियासत को संभाल लिया था। विद्रोह का कारण। आज़ादी से पहले आंदोलन के दौरान पूरा भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था और सभी रियासतदार भारत की नहीं अपितु अपनी रियासत की अंग्रेजों से आज़ाद कराना चाहते थे। आज़ादी का पहला आंदोलन सन 1857 से 58 में हुआ और इस आंदोलन से जुड़ने वाले सभी लोगों के पास विद्रोह का अपना एक अलग कारण था। अवध की बेगम ने आराधना करने की स्वतंत्रता के लिए इस विद्रोह में हाथ डाले थे। गौरतलब है कि अंग्रेजों ने भारत में आयात और निर्यात को सुगम करने के लिए कई तरह के साधनों का निर्माण किया, उदाहरणतः सड़कों और रेलगाड़ी। अंग्रेज सड़कों के निर्माण के दौरान बीच में आने वाले मंदिरों और मस्जिदों को तोड़ दिया करते थे, जिस कारण बेगम हजरत महल अंग्रेजों का विरोध करने पर मजबूर हो गए। अपने दिए गए एक वक्तव्य में बेगम हजरत महल ने कहा था, सुअर का मीट लोगों को खिलाकर लोगों का जबरन ईसाइयत में परिवर्तन करके लोगों को अंग्रेजी सीखने के लिए वजीफे देकर मंदिर मस्जिदों को तोड़कर उनकी जगह पर चर्च बनाकर कंपनी कैसे सोच सकती है कि कैसे यह धर्म को प्रभावित नहीं करेगा। सन 1857 का आंदोलन और बेगम हजरत महल। आज़ादी के पहले आंदोलन के दौरान रियासतों और आंदोलनकारियों के मध्य एक अनूठी एकता देखने को मिली थी। इस दौरान बेगम हजरत महल ने अवध की गद्दी प्राप्त कर ली थी और उन्होंने जल्द ही अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया था। आंदोलन के दौरान उन्होंने नाना साहब की काफी मदद की और यथासंभव समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर को अंग्रेजी अफसरों के ठिकाने के बारे में काफी ज्यादा और खुफिया जानकारी मुहैया कराई। आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों को अपनी शरण में ठिकाना देने के साथ साथ उन्होंने आंदोलनकारियों को अस्त्रों से भी लबरेज किया था। उन्हें उनके कामों के कारण अवध की लक्ष्मीबाई कहा जाता था। आंदोलन के दौरान उन्हें उनकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता के कारण अवध के लोगों का काफी समर्थन मिला और उन्होंने लगभग सभी लोगों को आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। सन 1858 में यह आंदोलन बेहतर रणनीति की कमी के कारण बंद कर दिया गया और इसका परिणाम निरर्थक रहा। जेल में ली आखिरी सांसें। सन 1858 में आंदोलन रुक जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने दोबारा इस तरह की स्थिति न उत्पन्न होने के लिए सभी रियासतों और जमींदारों को अपनी निगाह में रखना शुरू कर दिया। कई सारी रियासतों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा रखे गए प्रतिनिधि शासन करने लगे थे। आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार सभी आंदोलनकारियों से काफी ज्यादा खुन्नस खाई बैठी थी। ब्रिटिश सरकार के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सन 1858 में उन्हें गिरफ्तार करने के बाद भी रिहा नहीं किया गया। सन 1858 में लखनऊ की रियासत और अवध को ब्रिटिश सरकार ने बिरजिस कादिर से छीन लिया और उन्हें उनकी माँ यानी बेगम हजरत महल के साथ नेपाल की जेल में बंद कर दिया गया। नेपाल की जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और सन 1879 में काठमांडू की जेल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें काठमांडू में ही स्थित जामा मस्जिद में गुमनाम कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अवध के औपचारिक आखिरी नवाब बिरजिस कादिर को सन 1887 में जेल से रिहा कर दिया गया था। बेगम हजरत महल ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा आज़ादी की लड़ाई और उस लड़ाई को लड़ने की मिली सजा में बिताया। उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में जितने अच्छे दिन देखे, अंत का जीवन उतना ही बुरा और कठोर था।
और इस पर भी उन्हें इतिहास के पन्नों में अब तक गुमनामी ही मिली है। भारत की आज़ादी के बाद काठमांडू की जामा मस्जिद के पास बेगम हजरत महल का मकबरा बनवाया गया था। 15 अगस्त 1962 को लखनऊ के हजरतगंज में ओल्ड विक्टोरिया पार्क में बेगम हजरत महल को सम्मानित किया गया था। ओल्ड विक्टोरिया पार्क का नाम बेगम हजरत महल रख दिया गया था। गौरतलब है कि उनके सम्मान में सन 1884 में भारत सरकार ने लगभग 1.5 लाख से भी अधिक स्टाम्प पेपर बनवाए थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।